नमस्कार, आप देख रहे हैं आईवी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अयोध्या में 133 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजनाओं का निरीक्षण करने पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी अयोध्या पहुंची। सबसे पहले उन्होंने गुप्तार घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान सरयू नहर खंड के अधिशासी अभियंता केसरी सिंह को फटकार लगाई। योजनाओं के मद्देनजर सवालों में उलझे केसरी सिंह को समझ में नहीं आया क्या जवाब दें। उचित जवाब न मिलने पर पर्यटन मंत्री ने खरी खोटी भी सुनाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है और दिव्य दीपावली के पहले यह कार्य किया भी कीमत पर किसी भी कीमत पर पूरा हो जाना चाहिए। राम मंदिर मामले पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से बाहर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी अयोध्या राम की पैड़ी पर गंदगी देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने यह भी कहा कि गुप्तार घाट पर बने मंदिर की रंगाई पुताई के लिए भी कार्य शुरू होना है। सांसद लल्लू सिंह ने कहा, अगस्त माह में नितिन गडकरी बैराज का करेंगे शिलान्यास। उन्होंने कहा कि जब बैराज बन जाएगा तभी राम की पैड़ी की समस्या खत्म होगी, जिसके लिए डीएम फैजाबाद मंदिर के सरावर से बातचीत करेंगे। राम मंदिर मामले पर सीता बहुगुणा जोशी ने कहा, दोनों पक्ष एफिडेविट भी दाखिल कर चुके हैं, ऐसे में अब सरकार का बाहर से कोई बातचीत करना उचित नहीं होगा। शिलान्यास माननीय गडकरी जी अगस्त में करने वाले हैं, जब बैराज बन जाएगा तभी ये राम की पैड़ी का समस्या का समाधान होगा और तभी घाटों पर निरंतर पानी रहेगा। माननीय गडकरी जी ने विधानसभा चुनाव के पहले 21 दिसंबर को घोषणा की थी कि हम बैराज बनाएंगे, उसका डीपीआर बन रहा है, उसका टेंडर होने वाला और अगस्त में उसका शिलान्यास होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर से या किसी भी अधिकारी से नाराज होने का कारण केवल यह है कि 133 करोड़ रुपया भारत सरकार का पैसा है, उत्तर प्रदेश का एक रुपया इसमें नहीं है। तो कम से कम हम लोगों को उनको जानकारी तो देना चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, और नाराजगी कोई कारण थोड़ो। और वृहद स्तर पर करने की योजना बना रहे हैं और 133 करोड़ रुपए के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लिए स्वीकृत किए हैं, पूरे अयोध्या के लिए, जिसमें गुप्तार घाट हम अभी होकर आए हैं जहाँ करीब करीब 40 करोड़ के काम होने हैं। और बाकी यहाँ पर आपने देखा इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा और यूपी कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पर काम होने हैं, करीब करीब सब मिला के 133 करोड़ के काम। शहर के अंदर लाइट, सड़क, फैसिलिटी सेंटर, पार्किंग, यहाँ पर लाइटिंग, फसाद की लाइटिंग, और अभी नए काम जोड़े हैं अभी कि इसकी जो पूरी बिल्डिंग्स हैं सामने की मंदिर आदि उनकी भी सफाई सुथराई हो जाए। इन सब कामों को लेकर हम लोगों ने तेज़ी बढ़ाने के लिए आज ये दौरा किया है। अब हम लोग टाइम बाउंड एक बिल्कुल समय निर्धारित करके इन लोगों को काम दे रहे हैं और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि नवंबर तक, जब अगली दीपावली आए उसके पहले, अधिक से अधिक कार्य पूर्ण हो जाए। उसके लिए विभागों को थोड़ा चुस्त दुरुस्त करने के लिए आज पूरा प्रशासन और हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए।